स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हमने मैथ्स में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेसन है, तो जिसे आपको इसी साल के लिए नहीं, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि 5th चैप्टर जो है वो खाली इस साल के लिए नहीं है, उसके कंसेप्ट जो है और उसके नेक्स्ट ईयर 9th 10th में हमारे पास रहोगे या फिर कहीं और जाओगे, कहीं भी जाओगे, उसको यूज तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको भूलना नहीं है। एंड सेम दिस चैप्टर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सारा बेसिक आइडिया मैं आपको आज दे दूंगा, उसको फॉलो करो, उसको ठीक से लिख के रखो और वो जो लिखा हुआ है वो कहीं पे ऐसी जगह पे रख दो जो आपको 9th में भी काम आए और 10th में भी काम आए। ओके, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं जिसका डिग्री मतलब इंडेक्स कितना होता है 2 होता है, और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, मतलब 2 प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है लेकिन 2 साइन होते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें स्क्वायर होता है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेता है, एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सब दिखाऊंगा कि कैसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो देखो पहला एग्जांपल है हमारे पास x² + 9x + 18। देखो यहां पे ये जो है ये देखो 1 2 3 टर्म है ट्राइनोमियल और इंडेक्स कितना है 2, इसलिए क्या कहते हैं उसे क्वाड्रेटिक। ओके, यहां पे ये जो है 9 इसे कहते हैं मिडल टर्म, 9x इज मिडल टर्म, और जो ये 18 है इसे कहते हैं प्रोडक्ट। याद रखना ये जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो ये जो थर्ड टर्म है इसे कहते हैं प्रोडक्ट और इसे कहते हैं मिडल टर्म। करना क्या होता है, जो ये ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स है उसके आपको 4 करने होते हैं। ओके, 3 के कितने करने होते हैं 4। कैसे करने होते हैं, तो ये जो ये मिडल टर्म है 9x उसको हटा दो वहां से और उसकी जगह पर 2 नए नंबर लेके आओ। 9x वहां पे नहीं आएगा, आगे कहीं पे भी 9x नहीं दिखेगा। 9x को आप स्प्लिट कर दोगे ऐसे दो नंबरों में जिनका प्रोडक्ट जो है वो 18 होना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट जो है वो 18 होना चाहिए। साथ में और एक कंडीशन होती है, ओके, या तो उसका प्लस या तो उसका माइनस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 18, ये तो रूल सबके लिए ही है, फर्स्ट कंडीशन इज सेम फॉर ऑल। सेकेंड कंडीशन में आप प्लस भी कर सकते हो कभी कभी, कभी कभी माइनस भी करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है कैसे मैं बताऊंगा, कभी प्लस भी करना पड़ेगा कभी माइनस भी करना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिले मिडल टर्म, टू गेट मिडल टर्म। तो प्लस कब करना है और माइनस कब करना है बहुत ही आसान है, मैं आपको कंडीशंस लिख के देता हूं जिसको आपको ठीक से कॉपी करना है। ओके, तो प्लस करना है या माइनस करना है किसका, इसके जो दो पार्ट बना हो गया, दो नंबर्स ऐसे होंगे जिसका प्रोडक्ट कितना होगा 18, तो हम उसे न्यू नंबर्स कहते हैं। ओके, नए नंबर्स। या तो कंडीशन नंबर 1 कि इफ प्रोडक्ट साइन इज प्लस, प्रोडक्ट का साइन अगर प्लस होगा देन एड दी न्यू नंबर्स टू गेट मिडल टर्म। बहुत ही आसान, देखो अगर प्रोडक्ट का साइन प्लस है तो वो जो दो नए नंबर आएंगे उनका एडिशन करके 9x आना चाहिए, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 18 और एडिशन होना चाहिए 9, तो आपके दिमाग में आंसर आया होगा 6 3 18, 6 × 3 18 और 6 + 3 = 9, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 18 और एडिशन होना चाहिए मिडल टर्म मतलब 9। तो एडिशन कब देखना है, एक ही चीज याद रखना, प्रोडक्ट साइन क्या होना चाहिए प्लस, तो एडिशन देखना है। ओके,
लिखना है? सिंपल है कि इफ प्रोडक्ट साइन इज माइनस, इफ प्रोडक्ट साइन इज माइनस देन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट दी। अब जो दो नए नंबर्स होंगे उसमें एक छोटा और एक बड़ा तो होगा ना, देन सब्ट्रैक्ट दी लार्जर अपना स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर वन टू गेट, किसके लिए? टू गेट मिडल टर्म। मिडल टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना पड़ेगा। ये मतलब क्या? जब प्रोडक्ट का साइन माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करो। समझो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे नाइन नहीं होते, समझो यहाँ पे सेवन होते तो क्या होता? अगर यहाँ पे सेवन होते तो क्या होता? यहाँ पे फिर ये फैक्टर्स नहीं आते, ओके? तो क्या आता? नाइन टू जा एटीन, नाइन इंटू टू एटीन, और नाइन में से टू गया सेवन टू गेट द मिडल टर्म। तो पहला रूल समझ में आया, प्लस कब करना है और माइनस कब करना है? प्लस कब करना है? जब प्रोडक्ट का साइन प्लस हो। माइनस कब करना है? जब प्रोडक्ट का साइन माइनस हो। सिंपल, ओके? बहुत ही आसान तरीके से ये आपको समझने आ गया, क्लियर? अब उसके बाद बारी आती है साइन। जो दो नए नंबर आएंगे उनको साइन भी तो देना पड़ेगा, ओके? तो साइन के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं ताकि आपको ठीक तरह से याद रहे। यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट, यहां पे लिखते हैं मिडल टर्म। अब जो दो नए नंबर आएंगे उसमें से एक बिगर होगा एक स्मॉलर होगा, तो ग्रेटर नंबर बी ग्रेटर कहो बिगर कहो चलेगा एंड स्मॉलर नंबर, ओके? याद रखना जो साइन होते हैं इन दोनों के, ओके, वो मोस्टली डिपेंड होते हैं मिडल टर्म पे। मिडल टर्म का साइन यहाँ पे बहुत काम आएगा, ओके? जो मिडल टर्म का साइन है उसको फॉलो करना है। तो सपोज अगर प्रोडक्ट का साइन प्लस है, प्रोडक्ट का साइन प्लस है, अब प्रोडक्ट प्लस कब आता है? कौन से दो साइन का प्रोडक्ट प्लस आता है बताओ? ये मुझे आपको पता ही होगा कि जब आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। मतलब ये दिमाग में फिट कर दो कि अगर प्रोडक्ट का साइन प्लस है तो जो दो नए नंबर आएंगे उनका साइन सेम रहेगा, या तो प्लस प्लस रहेगा या तो माइनस माइनस रहेगा। इफ प्रोडक्ट साइन इज प्लस देन बोथ द नंबर्स हैज सेम साइन, ओके? इट मे बी प्लस प्लस और इट मे बी माइनस माइनस। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है? मैंने क्या कहा था अभी कि बहुत सारे साइंस मिडल टर्म पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मिडल टर्म आपका प्लस है तो दोनों नंबर प्लस प्लस, और अगर प्रोडक्ट का साइन प्लस है लेकिन मिडल टर्म का साइन माइनस है तो दोनों नंबर माइनस माइनस। सो सिंपल, अगर प्रोडक्ट का साइन प्लस है तो दोनों नंबर का साइन सेम आएगा, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, डिपेंड करता है मिडल टर्म पे। अब मिडल टर्म भी प्लस है तो दोनों भी नंबर प्लस प्लस, मिडल टर्म माइनस है तो दोनों भी नंबर माइनस माइनस। सिंपल, क्लियर? दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट का साइन माइनस है तो बताइए मुझे मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट का साइन माइनस चाहिए ना आपको, तो प्रोडक्ट का साइन माइनस कब आता है? जब आप एक माइनस को किसी प्लस के मल्टीप्लाई होते हो, माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। मतलब क्या हुआ? जब प्रोडक्ट का साइन माइनस हो तो जो दो नए नंबर आने वाले हैं उसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जब प्रोडक्ट का साइन माइनस हो तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मिडल टर्म। मिडल टर्म अगर प्लस में होगा तो ग्रेटर नंबर प्लस दो, बचा हुआ माइनस, और अगर मिडल टर्म माइनस होगा तो ग्रेटर नंबर माइनस दो, बचा हुआ प्लस। सिंपल, ओके? इसको फिर से रिपीट करता हूं, इफ प्रोडक्ट साइन इज प्लस देन बोथ नंबर हैव सेम साइन, इट मे बी प्लस प्लस और माइनस माइनस, डिपेंड ऑन द मिडल टर्म। इफ मिडल टर्म इज प्लस बोथ नंबर्स विल बी प्लस प्लस, मिडल टर्म इज माइनस बोथ नंबर्स माइनस माइनस।
ये प्रोडक्ट साइन इज माइनस देन दोनों नंबर का साइन जो होगा वो डिफरेंट होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ओके। इट आल्सो डिपेंड ऑन मिडिल टर्म, इफ मिडिल टर्म इज प्लस देन ग्रेटर नंबर इज प्लस स्मॉलर नंबर इज माइनस, इफ मिडिल टर्म इज माइनस देन ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस। तो ऐड कब करना है माइनस कब करना है, ओके। इससे आपको दो नंबर मिल जाएंगे, दो नंबर मिलने के बाद इसको फॉलो करो आपको साइन पता चल जाएगा, ओके। प्रैक्टिस से ये इजीली हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फोटो मारो, इसको अपने बुक में लिखो और वो बुक फेंकना मत, संभाल के रखना, नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा, कॉपी कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो हमारे पास प्रोडक्ट है 18 और उसका साइन है प्लस। तो पहली बात तो तय हो गई कि जो दोनों नए नंबर आएंगे उन दोनों का प्लस 9 आना चाहिए, ओके। ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 18 आता है और एडिशन 9 आता है। तो हमने अभी बताया था आपको 6 3 18 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ओके। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों भी प्लस प्लस, कोई टेंशन नहीं, बराबर है, ये अभी हमने बताया था आपको, ओके। अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, ये 9x को यहां से निकालना है और उसकी जगह पर x स्क्वायर और ये 18 तो वैसे ही रहेगा, बस 9x की जगह पर ये दो नए नंबर आ जाएंगे विद x, x के साथ साइन तो हमने देके रखा है, तो प्लस 6x प्लस 3x एंड देन प्लस 18। सर पहले 3 लेंगे बाद में 6 लेंगे चलेगा, कोई इशू नहीं, ओके। उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, 3 पहले लो 6 बाद में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो 6x एंड 3x 9x की जगह पे लिख दिए। अब हमारे पास 4 हो गए, 4 हो गए तो हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे, ओके। तो ये इसका एक ग्रुप बन जाएगा, इसका एक ग्रुप बन जाएगा। लास्ट ईयर आपने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना सीखा होगा कि इस दोनों में कॉमन क्या है, जो यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है, वो कॉमन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये कॉमन नंबर्स हम दिखाते हैं, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो पहले नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ओके। तो नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स है, तो 1x और यहाँ पे 1x कॉमन है, यहाँ पे 2 टाइम्स है यहाँ पे 1 टाइम है, तो एक बार कॉमन तो है, तो हम यहाँ पे 1x कॉमन निकालेंगे। और ऐसे टाइप के कोई भी एग्जांपल ले लो, इसमें स्टार्टिंग में एक वेरिएबल तो कॉमन आएगा ही, ओके। क्या कहा मैंने, एक वेरिएबल कॉमन आएगा ही, कंफर्म। नंबर आ भी सकता है नंबर नहीं भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल कॉमन आएगा 101% फर्स्ट में, आप सेकंड में आएगा, क्लियर। तो ये x कॉमन आ गया, तो फिर क्या बचा यहां पे, x 2 टाइम्स थे 1 टाइम चला गया तो 1 टाइम बचा, प्लस 6 तो बचे हैं यहां पे, x 1 टाइम है यहां पे वो तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा है x + 6, तो रिमेनिंग फैक्टर्स इन ब्रैकेट, कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर निकालो और जो रिमेनिंग फैक्टर है उसको बैक में लिखो, क्लियर। यहाँ पे जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे लिखना है, ओके। अब यहाँ पे 3 और 18 है, तो 3 से 18 को डिवाइड होता है, यस होता है, 3 6 18, तो यहाँ पे कॉमन क्या हुए, ये 3 और ये 3 कॉमन हुए ना, तो ये 3 को बाहर निकालो, वेरिएबल नहीं निकलेगा, वेरिएबल स्टार्टिंग में ही निकलता है, बाद में वेरिएबल नहीं निकलता, क्योंकि फोर्थ टर्म में वेरिएबल नहीं होता, आया फोर्थ टर्म में वेरिएबल नहीं होता, इसलिए वेरिएबल यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, नंबर आएगा, नंबर ने 3 कॉमन निकाला, ओके। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ पे क्या बचा है 3 6 18 ना, 18 माइनस 3 15 नहीं, 3 6 18 3 चला गया बाहर तो बचा क्या 6, ये कॉलम और ये कॉलम सेम ही होना चाहिए, क्या कहा, दोनों भी कॉलम सेम ही होने चाहिए, अगर ये डिफरेंट हुए साइन भी अलग हुआ तो भी रॉन्ग, ओके। तो ये साइन के साथ सेम होना चाहिए, तो ये 2 टाइम्स है उसको हम 1 टाइम लेंगे, और जो ये रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग फैक्टर्स है, उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3। तो ये इस तरह से हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा,
ये है हमारा सॉल्यूशन। इसके फैक्टर्स x प्लस सी और x प्लस सिक्स और x प्लस थ्री। ओके नाउ नेक्स्ट सम इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। सो हियर प्रोडक्ट इज 9। प्रोडक्ट का साइन कौन सा है भाई? प्लस है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब प्रोडक्ट का साइन प्लस हो तो हमें क्या करना है? एडिशन करना है। प्रोडक्ट साइन प्लस एडिशन ऑफ न्यू नंबर्स, प्रोडक्ट साइन माइनस सबट्रैक्शन ऑफ न्यू नंबर्स टू गेट रिजल्ट टर्म। मतलब ऐसे लोग नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट आता है 9, एडिशन आएगा 10, तो 3 थ्री 9 तुरंत दिमाग में आएगा। बट 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। तो 10 चाहिए आपको, तो 3 थ्री 9 नहीं चलेगा। तो 9 वन जा 9, देखो 9 वन जा 9 और 9 प्लस 1 कितना होता है? 10, राइट। अब साइन ये प्लस है तो दोनों नंबर को सेम साइन आएगा, बोथ हैज सेम साइन। ओके, डिपेंड ऑन मिडिल टर्म साइन, मिडिल टर्म माइनस है तो बोथ आर माइनस माइनस। तो अभी क्या हो गया, इसको निकाल दोगे यहां से x स्क्वायर और इंस्टेड ऑफ माइनस 10x हम लिखेंगे माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9 और उसके बाद दो दो का ग्रुप बनाएंगे। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे कॉमन निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट में वेरिएबल कॉमन होता ही है, सेकंड में वेरिएबल नहीं होता। नंबर देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, नंबर कॉमन नहीं आएगा, खाली वेरिएबल कॉमन आएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 टाइम x कॉमन। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिंगल x बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 9, x तो बाहर चला गया तो x माइनस 9 इन ब्रैकेट। ये साइन माइनस है तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब यहाँ पे देखो 1 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, x यहाँ पे तो नहीं है, मतलब वेरिएबल तो कॉमन आता ही है, सेकंड में वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। नंबर्स देख लो भाई, नंबर में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, मतलब वहां पे क्या लिखना है? 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखो। ओके, अब यहाँ पे x बचेगा। अब ध्यान दो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस की वजह से ये जो प्लस है वो जब अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आता है तो साइन चेंज होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन विल बी चेंज, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और नाइन रिमेन सेम। देखो मैंने कहा था कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही होना चाहिए विद साइन, तो आ गया सेम। तो एक्स माइनस 9 एक ही बार लिखेंगे हम, दो बार है तो वन टाइम लिखेंगे, और जो ये बचा हुआ एक्स माइनस 1 है इसको हम अदर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमारा आंसर। ओके, समझा इतना? नाउ थर्ड वन इज y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। ओके, ये हम लास्ट समझेंगे, अगला वीडियो में बाकी के समझेंगे। y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144, तो हमारे पास प्रोडक्ट है 144 और साइन कौन सा है? साइन है प्लस। मतलब ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट आता है 144 और एडिशन आएगा मिडिल टर्म, 24 चाहिए आपको। ओके, तो 144 के फैक्टराइजेशन करो, अगर डायरेक्टली आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सर क्या करें? अब डायरेक्टली 144 मतलब बहुत बड़ा नंबर हुआ, एक तो छोटे नंबर है तो डायरेक्टली आ जाएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आता है तो करें तो क्या करें? देखो यहाँ पे एक सिस्टम होता है ये फाइंड करने का कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट होता है 144 और प्लस होगा 24, कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन करो 144 के, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हुआ, 2 7 जा 2 2 जा, फिर से 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 18 जा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये अपने फैक्टर्स हो गए। अब इसके ग्रुप बनाओ। ओके, दो दो ग्रुप बनाओ, 2 2 जा 4 2 जा 8 बना दिया, सपोज यहां पे 8 आ गया, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 प्लस 8 कितना होता है? 26 होता है, हमें चाहिए कितना? 24, तो ये ग्रुप बराबर नहीं है। ओके, दूसरा ग्रुप बनाओ, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और अगेन 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 12 कितना होता है? देखो 24 आ गया, सो इट इज द स्क्वायर ऑफ 12, और 12 प्लस 12 कितना होता है?
24, तो हमारा ग्रुप बन गया है, तो 12 और 12 दोनों भी नंबर सेम सेम है, कोई टेंशन नहीं। और साइन देखो, ये प्लस है तो प्रोडक्ट का साइन प्लस, तो क्या होता है, सेम साइन होता है, डिपेंड करता है ग्रेटर टर्म पे, ग्रेटर टर्म प्लस है तो दोनों भी प्लस प्लस। ओके, अब देखो आपने फर्स्ट और सेकंड को नोटिस किया होगा तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, प्लस सिक्स प्लस थ्री, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया x और साथ में प्लस सिक्स प्लस थ्री जोड़ दो, यहाँ पे देखो x माइनस नाइन x माइनस वन। ओके, जब यहाँ पे स्क्वायर के आगे यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल वन होगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आएगा बताइए मुझे, y है तो y प्लस ट्वेल्व, y प्लस ट्वेल्व, ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो अगर ये आंसर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने कॉमन फैक्टर्स में गड़बड़ की है। तो इंस्टेड ऑफ दिस नाउ राइट प्लस ट्वेल्व वाई प्लस ट्वेल्व वाई प्लस 144, एक्स हो तो एक्स लो, वाई है तो वाई लो, फिर दो दो के फैक्टर्स, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, पहला वेरिएबल कॉमन आता ही है, वाई कॉमन, नंबर कुछ नहीं है, नंबर नहीं है तो नंबर कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, वाई प्लस क्या ट्वेल्व प्लस 144 के फैक्टर्स, अभी हमने किया ना 12 into 12, तो ये 12 into 12 है, तो ये 12 और ये 12 कॉमन आएंगे, तो उसको कॉमन निकालो। ओके, वेरिएबल कॉमन नहीं आता, सेकंड में वेरिएबल कॉमन नहीं आता, क्यों, फोर्थ में वेरिएबल नहीं रहता इसीलिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, वाई प्लस यहाँ पे क्या बचा 12। ओके, तो ये दो बार है, सेम सेम है, तो इसको वन टाइम लिखो और जो रिमेनिंग फैक्टर्स है अदर वैल्यू भी लिखो। आ गया वाई प्लस ट्वेल्व, वाई प्लस ट्वेल्व, तो अगर फैक्टर में कुछ गड़बड़ किया तो आंसर नहीं आएगा, क्रॉस कैसे करेगा, वाई प्लस ट्वेल्व, वाई प्लस ट्वेल्व, ये आंसर नीचे आना चाहिए। ओके, ऐसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।